टोटल कितना अर्सा हो गया यहाँ पर काम करते हुए? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक अगेन आप लोगों को। आज ईद का दूसरा दिन है। हम कल शाम को जल्दी सो गए थे और अभी उठाऊँ तो हमने आज जाना है रिश्तेदार के घर इस्लामाबाद में। अभी हम वसीम और अकील को उठाएंगे। अभी हो गया है 10-11 बजे। वसीम और अकील भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहा होगा। कल हमने जाना था रिश्तेदार के घर लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से तबीयत ख़राब हो गया था। इन दोनों को उठाते हैं। ये दोनों पता नहीं अभी तक सोया हुआ है। सही सोया हुआ है। उठो भाई वसीम, हेलो यार, जाना नहीं है हमने यार इस्लामाबाद, हमने जाना था कज़न के यहाँ। कल चलते हैं। अकेल हेलो ना यार, हेलो सुन, हेलो उठो बस, अभी तैयार हो जाओ, जल्दी कर, आ जा, मैं तैयार हो रहा हूँ, जल्दी उठो। तो इनको हमने अभी जगा लिया है तो मैं अभी फौरन फटाफट सा तैयार होता हूँ। आई एम रेडी नाउ। सो अभी चलते हैं हम इस्लामाबाद साइड की तरफ, तो लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गोड़ा, मैं और अकील, वसीम भी सोते हुए यहां पर नींद में है। अभी थोड़ी देर सो गया था, क्यों वसीम? सो गया था, अभी नींद में हूँ फिलहाल। आप ये स्टेशन जाके बात करते हैं, वापस जाग जाएगा। तो हम यहाँ पर है कि वो सामने आप इस साइड पे इस्लामाबाद देख सकते हैं, उस साइड पे वो कोने में है जो फैसल मॉस्क, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। वो देखें वसीम पता नहीं कितना जा रहा है, हमने इस साइड पे जाना है। तो ये कार चल रही है। हम अभी जा रहे हैं ट्रेन के पटरी पर, वहाँ पर थोड़ा एंजॉय करेंगे और साइड पे बैठ के। तो चलें आप, हम चलते हैं वहाँ पर। यहाँ से हम मेन रोड पे पहुँचने वाले हैं। मेन रोड से सामने ही रेल की पटरी है तो वहाँ पर हमने जाना है। अकील और वसीम तो नींद में है ऑलरेडी, तो सामने पहुँचा हुआ है। उस साइड पे है पटरी जहाँ पर सूरज की लाइटें आ रहे हैं, यहाँ से हमने अंदर जाना है। वो सामने पटरी है। बोतल ना लेने हैं, बोतल और बोतल यहाँ से आगे नहीं मिलेगा, क्या करना है। हम यहाँ पर वापस जा रहे हैं दुकान में, कुछ लेंगे बोतल वगैरह, ठंडे वगैरह, फिर वहाँ बैठ के पियेंगे। एक ड्यू दे दें। हाँ जी, लेटर वाल दे दें। हाँ ठीक है जी। बोतल वगैरह ले लिया है, वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे पट्टी पे। ये हम पहुँच गए करीब ही पटरी के। वो सामने गेट बंद किया हुआ है तो क्या पता रेल आ रहा हो। हमें भी सुनाओ यार, तुम क्या बातें कर रहे हो? कौन देखो क्या बात कर रहे। ये पटरी सूरज की वजह से चमक रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अच्छा, अभी दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, क्या पता रेल आ रहा हो। रेल के जो पटरी भी बंद हो रहे हैं क्योंकि लगता है रेल आ रहे हैं। ये यहाँ पर ट्रैक्टर भी रोक लिया है, उधर नहीं जाना अभी, सही है संभाल के। रेल आ रहा है मेरे ख्याल से। समझ को रेल आ रहा है अभी, आ रहे गाड़ी आ रहा है आगे से, रेल तो नहीं आ रहा, उस साइड से आ रहा है। अच्छा, असल में बंद किया तो पूछा था। ये उस साइड से कह रहे हैं कि रेल आ रहे हैं इसलिए बंद किया। एक पर बैठते हैं थोड़ी देर। एक ये हो गया है, अभी 5 मिनट तक कह रहे कि रेल आने वाले, तो अंकल के साथ बैठते हैं। अंकल कितना अर्सा हो गया यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ पर 21 साल हो गए। इतने साल ओके। आपका क्या काम है? गेट वगैरह बंद करना है यहाँ पर या वो गेयर वगैरह भी लगाते हैं? अच्छा, गेट बंद करते हैं। ठीक है, तो चाचा जी को यहाँ पर हो गया है 35 साल हो गए काम करते हुए। ये पट्टी पे ये दरवाज़ा वगैरह बंद करते हैं, इनका काम है।
हमने जाना है आगे स्टेशन है आगे उस साइड पे, लेकिन हम थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, रेल आएगा तब फिर हम चले जाएंगे। तो चाचा जी कह रहे हैं कि ये जो पहले लाइन पे ट्रेन आ रहे हैं वो सामने से आ रहे हैं, वो जो लाइट नज़र आ रहा है आपको वही ट्रेन है। तो बोतल यहाँ पर हम रखते हैं, लोगों को उधर दिखाते हैं, देखें वो वहाँ पर लाइन और सामने से आ रहे जी, वो सामने से दूर से आ रहे हैं, जो लाइट नज़र आ रहे हैं। अंकल जी ये निकाल रहे जी, इस गियर चेंज कर रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं यार। ये चेंज कर, तो ये चेंज आ गया जी, ट्रेन अभी पहुंच गया करीब ही। ये चला गया ट्रेन और दूर से चार है। नहीं डर क्यों लगना है, मैं तो वीडियो निकालने के चक्कर में हूँ। अभी दरवाज़ा खोल रहे हैं चाचा जी, ये यहाँ से गियर चेंज करने का सीन है, ये अंकल से ही पूछना पड़ेगा। सारे मोटरसाइकिल वाला जा रहे हैं, और ट्रेन आगे मेरे ख्याल से चलें, वही आगे स्टेशन की तरफ देखते हैं रेलवे बुक करते करते। तो हम अभी जा रहे हैं आगे स्टेशन की तरफ, वहाँ से अगर ट्रेन अगर ट्रेन वहाँ पर रुका हुआ हो तो हम उनसे अंदर जाके चेक कर लेंगे, नहीं तो वहाँ पर स्टेशन घूम के वापस आ जाएंगे। ओके चलिए, शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया। आप लोगों को फिर वॉशिंग रूम है ना, बोतल रख लो, आप पी लें, आप पी लें। गियर का जो पूरा सिस्टम है, टूल बॉक्स है, चल इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो लोगों ने बनाया हुआ है, उसको देख लें, लिंक आपको भेज देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। वो सामने स्टेशन है, यहाँ से जल्दी भाग के जाएंगे स्टेशन की तरफ, वो सामने है, 5 मिनट लगेंगे, तो लेट्स गो। तो ये पटरी पर हम अभी चढ़ चुके हैं, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं हम ट्राई कर रहे हैं कि आगे स्टेशन पे ट्रेन अगर रुका हो तो वहाँ जाके थोड़ा इन्जॉय करेंगे ट्रेन में बैठ के। ये लिखा हुआ है 30 किलोमीटर, पता नहीं कौन सी जगह है, 30 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो ये बैठेंगे यार, रखा 5 मिनट। ये है सिग्नल, ट्रेन के सिग्नल है। अब हम पटरी से नीचे उतर रहे हैं, इधर बैठना बहुत ही डेंजरस है, इधर से जाएंगे। वसीम अपील, नीचे आ जाओ यार, बहुत ख़तरा है, कोई पता नहीं होता कब ट्रेन आ जाए। ये जो पटरी का जो चेंज करने वाला जो गैर वाला है, वो यहाँ से जाके वो सामने कमरे में है। ट्रेन तो चला गया, अब हम आराम से ही जाएंगे। ये गियर सिस्टम, ये कमरे से निकल के आ रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं और वो वाला आगे साइड पे। लकीली हमारे लिए एक और ट्रेन आ रहे हैं वहाँ से, इसी साइड से, क्योंकि आज ईद है तो कराची की तरफ से सारी ट्रेनें जो है वापस आ रहे हैं, तो हम जल्दी से ट्रेन स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ से हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। वो सामने सारे लाइट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो देखें तो सामने पहुँच गए हम स्टेशन के, पहुँच गए हम स्टेशन के करीब। ये पुराने डब्बे पड़े हुए हैं, ओल्ड अंग्रेज़ों के ज़माने के। क्या बात है, ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है, ट्रेन भी आ रहा हो और साथ हम भी इसी तरफ इसी टाइम पे पहुंच जाएं। पाकिस्तान रेलवे, ये बच्चे क्या हाल है जी, ठीक है ठीक है, ईद मुबारक, हाथ हिलाओ।
आज ये तीसरा ट्रेन है। तो गाइस ये था गोलरस स्टेशन। अभी व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।